तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल द पेरिपेटेटिक हॉबिस्ट में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कबूतरों का अप केयरिंग कैसे करनी है, छोटे बच्चों की, पट्ठों की, और उसे फेबुलर किस तरह बनाना है आपके अपने घर में। जब अगर आप फ्री रेंज में रखना चाहते हैं तो उसे बाकायदा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना वो उड़ कर चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटे पट्ठों का मैं हैंड फीडिंग कर रहा हूँ हाथ से। उसमें मैंने लिया है गेहूं का दर्रा, जो कहते हैं गंदुम, क्या आप कहते हैं अपने भाषा में, गेहूं के दर्रा और चावल। इन दोनों को मैं फुला कर जो 4 घंटे के बाद मैं उन्हें फीड करा रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है हैंड फीडिंग कराना, लेकिन फिर भी कराना पड़ता है, छोटे बच्चों को, पट्ठों को कराना पड़ता है। और जब जब मैं फीड कराता हूँ तो ये भाग चले जाते हैं, उड़कर दूसरी कोने चले जाते हैं और उसे पकड़ कर मुझे फीड कराना पड़ता है। खैर, कुछ दिनों के फीड दिलाने के बाद ये हैबिटेट हो जाते हैं खुद से दाना चुगने के। तो कुछ टाइम तो थोड़ी मुश्किलें आती है पकड़ पकड़ कर इन्हें फीड कराना। और फीडिंग ट्यूब से मैं नहीं कराता हूँ, मैं खुद से ही, छोटे छोटे दाने होते हैं वो ट्यूब में नहीं जाती है, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से ही फीड कराता हूँ। जितने भी जानवर है प्यार के भूखे, आदर कीजिए। क्या म्यूटेंट कलर हुआ, देखिए कलर कितनी खूबसूरत है, देखिए इसका कलर। फ्रेंडली बनाना है तो इसे प्यार करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत ये सपोर्ट करता है, थोड़ा सा साथ में रहता है। पहले तो मेरे से दूर दूर भटकता था, लेकिन अभी ठीक है, अब करीब आता है, डरता नहीं है। जा, जा। एक वहाँ है। और जब तक आप ट्रस्ट नहीं बनाते इनके ऊपर, जब तक इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगी, वो आप लाख मना लो, आप लाख बुला लो, वो नहीं आएगी आपके पास। तो पहले ट्रस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, पहले इन्हें, इनके दिल जीतना होगा कि हाँ आप उनकी प्रॉपर केयर रख पाओगे, आप उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाओगे, तभी वो आपके पास आएगी। ये फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसे, देखिए। इस तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अगर बांधेंगे नहीं तो ये उड़ जाएगी। कुछ दिन तक तो बांध कर रखूँगा, फिर उसे मैं फ्री फ्लाइट कराऊँगा। उड़ गई तो उड़ गई, नसीब पर है जी। देखिए, एक यहाँ है, आजा आजा, उड़ मत, नहीं उड़ पाएगा अभी, बच्चा है तू, आजा, ये तो मेरे हाथ भी नहीं पहुँचेगी, आजा 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 आजा। ये अभी 2 महीने का हो गया है और मैं इसे फ्री फ्लाइट इसे करा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये अपना एनवायरनमेंट को देख ले। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये व्यू है मेरा छोटे से एक हाउस का,
मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर इसे सेटअप दूँ इसके ऊपर में, लेकिन फिलहाल मुझे इसे यूं ही बांध कर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि ये अच्छी तरह से अपने घर को देख ले। कुछ दिन बाद मैं इसे रिलीज़ कर दूंगा। अब आगे अल्लाह भरोसा, अगर हो सकता है ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी तरह ट्रेनिंग कर दूँ ताकि ये अपना घर यहाँ बना ले। देखिए कलर कितनी अच्छी है, माशाल्लाह कलर बहुत अच्छी है इसमें, बहुत ही हेल्दी बच्चे थे 2 महीने के, ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये लोग। ये जेड ब्लैक में है, काफ़ी खूबसूरत कलर है। देखिए इसके नेक में देखिए ये पर्पल टाइप की कलर आ रही है। मुझे कबूतरों का उतना शौक नहीं था, लेकिन जब से मैं इन्हें लिया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना कर लाऊँ, और मेरे सब्सक्राइब करने के बाद इसे इस बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा पेट चैनल द पेरीपेटेटिक हॉबीस्ट। थैंक यू।